Titulky vytvořil JohnyX. कार आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है आज हमारी चर्चा का विषय है अर्थशास्त्र की आधारभूत अवधारणा इस चर्चा के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि अर्थशास्त्र की जरूरत मानव जीवन में आखिर क्यों है साथ ही इस चर्चा में उत्पादन और वितरण के पूंजीवादी तंत्र का भी विश्लेषण करेंगे और उत्पादन और वितरण की पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था के तुलनात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे मैं हूं साक्षी मांडवाल और हमारे विषय विशे विशेषज्ञ हैं सतीश रघुवंशी जो लंबे समय से पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता में सक्रिय रहने के साथ ही यह स्वतंत्र लेखन और अध्यापन का भी कार्य करते हैं आज के इस व्याख्यान में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह इस प्रकार है अर्थशास्त्र क्या है और उसका दर्शन अर्थशास्त्र का मानव जीवन में महत्व अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र उत्पादन और वितरण की पूंजीवादी समाजवादी व्यवस्था में तुलना आधुनिक अर्थशास्त्र के पांच अहम चरण पूंजीवाद का प्रभाव एवं इसकी प्रतिक्रिया समाजवाद बनाम पूंजीवाद उत्पादन और वितरण की पूंजीवादी तंत्र की रूपरेखा पूंजीवाद का इतिहास अर्थशास्त्र क्या है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन वितरण विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द अर्थ धन और शास्त्र की संधि से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है अर्थशास्त्रीय विवेचना का प्रयोग समाज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जैसे अपराध शिक्षा परिवार स्वास्थ्य कानून राजनीति धर्म सामाजिक संस्थान और युद्ध इत्यादि अर्थशास्त्र का दर्शन अर्थशास्त्र का मूलभूत दर्शन कहीं भी किसी जन समूह में एक साधारण व्यक्ति भी स्वहित की बात करता है तो उसमें अर्थशास्त्र तब सामने आ जाता है जब कोई व्यक्ति अपने हित को भौतिक लाभ या फिर कल्याण से जोड़ता है जब स्वहित भौतिक लाभ से जुड़ जाता है तब आर्थिक हित कहलाता है अर्थात अर्थशास्त्र एक वह विषय क्षेत्र है जो व्यक्तिगत स्तर पर उन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनकी दिशा या तो संतुष्टि को अधिकतम करने की ओर होता है और समूचे देश के स्तर पर सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की होती है अर्थशास्त्र का मानव जीवन में महत्व अर्थशास्त्र में हम संसाधनों की उपलब्धता और सीमितता के बारे में अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्री आर्थिक समस्याओं के समाधान की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए देश में पाई जाने वाली गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या व उनसे संबंधित उन मुद्दों का अध्ययन करते हैं जिनकी सत्यता की जा सकती है जैसे गरीबी तथा बेरोजगारी की मात्रा तक अभिप्राय वास्तविक अर्थशास्त्र से है इसके विपरीत जब किसी समस्या को हल करने के लिए सुझाव देते हैं तब हमारा अभिप्राय आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से है इसमें कोई दो राय नहीं है कि असीमित आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित हैं इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को और उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने इस विषय को परिभाषित करते हुए इसे मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन बताया है मार्शल ने पाया था कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियां हुआ करती हैं इसलिए समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें इसके आर्थिक आधार को समझने की जरूरत है दुर्लभता और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों के कारण ही अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता है इसलिए यह विषय प्रेरकों और संसाधनों के प्रभाव में विकल्प का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र में अर्थ संबंधी बातों की प्रधानता होना स्वाभाविक है लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ अर्थ या धन हासिल करना ही नहीं है बल्कि सत्य की खोज द्वारा विश्व के लिए कल्याण सुख और शांति प्राप्त करना भी है अर्थशास्त्र ये भी बतलाता है कि मनुष्यों के आर्थिक प्रयत्नों द्वारा विश्व में सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है सब शास्त्रों के समान अर्थशास्त्र का उद्देश्य भी विश्व कल्याण है अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय है यद्यपि उसमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों का भी विवेचन रहता है यह संभव है कि इस शास्त्र का अध्ययन कर कुछ व्यक्ति या राष्ट्र धनवान हो जाए और अधिक धनवान होने की चिंता में दूसरे व्यक्ति या राष्ट्रों का शोषण करने लगे जिससे विश्व की शांति भंग हो जाए परन्तु उनके शोषण संबंधी यह सब कार्य अर्थशास्त्र के अनुरूप या उचित नहीं कहे जा सकते क्योंकि अर्थशास्त्र तो उन्हीं कार्यों का समर्थन कर सकता है जिसके द्वारा विश्व कल्याण की वृद्धि हो इन तथ्यों से यह साफ हो जाता है कि अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी सब कार्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उसका ध्येय विश्व कल्याण है और उसका दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय है अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला इसमें विद्वानों के विभिन्न मत हैं। खासकर कला सैद्धांतिक जानकारी देती है जबकि विज्ञान सैद्धांतिक जानकारी को व्यवहारिक रूप में पेश करता है विज्ञान उन परीक्षणों पर आधारित होता है जो कि नियंत्रित होते हैं और परिकल्पनाओं को संतुष्ट करते हैं अर्थशास्त्र में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो परीक्षणों पर आधारित न होकर प्रभावों को दर्शाता है इसलिए अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र होने के कारण हम इसे कला एवं विज्ञान के मिश्रण के रूप में देखते हैं पॉल सैमल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र ना तो कला है और ना ही विज्ञान है बल्कि यह विषय मानक शास्त्र है एवं विज्ञान दोनों ही मुख्य विशेषताओं का संयोजन है हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक व्यक्ति एक फर्म एक समाज या एक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं इसलिए इसको एक सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें विज्ञान की उपरयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जैसे कि अर्थशास्त्र में सभी आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है धन संतुष्टि एवं उपभोग उत्पादन विनिमय वितरण का अध्ययन क्रमबद्ध अध्ययन ही होता है अन्य विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र के भी अपने कुछ नियम हैं जैसे कि मांग व पूर्ति का नियम उपभोग के नियम उत्पादन के नियम इत्यादि कारण और परिणाम में संबंध अर्थशास्त्र के नियम कारण और परिणाम में आपसी संबंध व्यक्त करते हैं जैसे कि मांग के नियम से कीमत के कम होने से मांग बढ़ती है इसमें कीमत का कम होना कारण है और मांग का बढ़ना परिणाम है इससे यह साफ हो जाता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें विज्ञान की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं लेकिन फिर भी कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती इसका कारण यह है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और मानव व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है जिन आंकड़ों के आधार पर अर्थशास्त्र के निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह निश्चित एवं स्थिर नहीं होते बल्कि उनमें बदलाव होते रहते हैं अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का मुद्रारूपी मापदंड कोई विश्वसनीय मापक नहीं है क्योंकि इसके अपने मूल्य में ही बदलाव होता रहता है कुछ जानकारों के मुताबिक अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है परंतु यह सत्य नहीं है अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के खिलाफ उस पर उठाई गई आपत्तियाँ इतनी वास्तविक नहीं है क्योंकि अर्थशास्त्र विज्ञान के कई गुणों को पूरा करता है अभी अर्थशास्त्र का विकास हो रहा है इसलिए मतभेद का होना स्वाभाविक है अर्थशास्त्र में भी प्रयोग होते रहते हैं अवमूल्यन करना परिवार नियोजन लागू करना समाजवाद पूंजीवाद आदि आर्थिक प्रयोग ही तो है वास्तव में पूरा विश्व अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला है और सभी मानव प्राणी इस प्रयोगशाला के यंत्र हैं मापदंड एक बड़ी बात है क्योंकि यह किसी न किसी सीमा तक आर्थिक क्रियाओं को माप सकता है उत्पादन और वितरण की पूंजीवादी समाजवादी व्यवस्था में तुलना पूंजीवाद और समाजवाद के बीच सिद्धांतों की लड़ाई सदियों पुरानी है जो अब तक चली आ रही है दरअसल समाजवाद पूंजीपतियों से पूंजी की सतत प्रवाह की मांग करता है ताकि उत्पादन और वितरण में परस्पर संतुलन बना रहे लेकिन पूंजीवाद पर समाजवाद आरोप लगाता रहा है कि वह पूंजी को खर्च नहीं करता बल्कि उसे बचा कर रखता है वह उसे ऐसे समय में खर्च करने की राह देखता है जब उसे ज़्यादा मुनाफा हासिल हो समाजवाद पूंजीपतियों से यही चाहता है कि वह पूंजी के प्रवाह को नहीं रोके यानी ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए पूंजी की जमाखोरी नहीं करे यानी उसे बचाकर नहीं रखे दरअसल अर्थशास्त्र के तहत समाजवाद की यह धारणा बिल्कुल सही है कि समाज में पूंजी का संतुलन सामान्य रहेगा तभी उत्पादन और वितरण भी सामान्य रहेगा मनी रोटेशन यानी मुद्रा का प्रवाह समाज में तभी होता है जब पूंजी का संतुलन सामान्य हो इसलिए यह जरूरी है कि पूंजीपति वर्ग पूंजी को रोके नहीं बल्कि उसे खर्च करे क्योंकि पूंजी अगर खर्च नहीं होगा तो फिर उत्पादन नहीं होगा जिससे वितरण भी उस वस्तु का नहीं हो सकता है इसलिए पूंजी खर्च होगी तब उत्पादन होगा और उसके बाद उपभोक्ताओं तक वितरण होगा पूंजी का यह प्रवाह अगर समाज और देश में समान रहता है तो फिर समाज और देश की तरक्की होती है पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ पूंजीवाद के अच्छे सिद्धांतों को पूंजीपतियों ने अपनाया और उन्होंने पूंजी की जमाखोरी नहीं की जिससे समाज में पूंजी का प्रवाह बना रहा और फिर उत्पादन और वितरण का संतुलन बना रहता है पूंजी का सतत प्रवाह और उत्पादन और वितरण का संतुलन बना रहना किसी भी देश के विकास की बुनियाद बनता है मिसाल के तौर पर अगर किसी पूंजीपति ने पूंजी लगाकर किसी चीज़ का उत्पादन शुरू किया यह उत्पादन एक प्रोडक्ट के रूप में वितरण के लिए जाता है फिर थोक व्यापार और खुदरा व्यापारियों का सफर तय करने के बाद यह उपभोक्ताओं तक पहुंचता है हम इस श्रृंखला में यह देखते हैं कि पूंजी उत्पादन और वितरण की बुनियाद बनता है जब किसी चीज़ का फैक्ट्री या किसी औद्योगिक इकाई में उत्पादन शुरू हुआ तो उससे कई लोगों को रोजगार मिला यानी एक कारोबारी द्वारा लगाई गई पूंजी कई श्रमिकों के वेतन मिलने और उनके आजीविका का जरिया बनी साथ ही अमुख पूंजीपति पूंजी, पूंजी लगाकर मुनाफा हासिल करता है उसके बाद यह उत्पादन वितरण के लिए लोगों तक जाता है इस श्रृंखला के तहत पहले परिवहन थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी तक वह उत्पादन पहुँचता है और फिर उसके बाद उपभोक्ताओं तक पहुँचता है यानी अब हम कह सकते हैं कि पूंजी पहले श्रमिकों के वेतन फिर व्यापारी के मुनाफा का आधार बनती है समाजवाद पूंजीवाद से यही आशा करता है कि वह पूंजी के प्रवाह को रोके नहीं बल्कि उसका उसका प्रवाह जारी रखे जमाखोरी को लेकर हम अक्सर खबरों को सुनते देखते और पढ़ते हैं कि किसी चीज़ की जमाखोरी की जाती है और कालाबाजारी के तहत उसे ऐसे वक्त बेचा या खरीदा जाता है जब उसकी किल्लत होती है यह पूंजी के असंतुलन का उदाहरण है जिसमें उत्पादन और वितरण का संतुलन बिगड़ जाता है ऐसे में स्वार्थ और मुनाफे के लालच में पूंजीपति या कारोबारी का तो मकसद पूरा हो जाता है लेकिन जनता जनार्दन इस लालच के चक्कर में पिस जाती है और उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है जो चीज़ कम दाम की होती है उसे उन्हें ज़्यादा कीमत देकर खरीदना पड़ता है समाजवाद पूंजीपतियों से यह चाहता है कि वह सरकारी नियमों के तहत काम काज करें ना कि मनमानी करें या निरंकुश होकर काम करें समाजवाद यह कहता है कि पूंजीवाद समाज की ज़रूरत के मुताबिक पूंजी का प्रभाव कर वस्तुओं का निर्माण करे ना कि अपने मुताबिक पूंजीपति वर्ग जब टैक्स अदा नहीं करता है तो यह भी पूंजी प्रवाह को रोकना यानी समाज में उसे असंतुलित करना होता है यानी जमाखोरी और काला बाजारी भी पूंजीवाद का ही हिस्सा है सबसे आदर्श समाज वही होता है जहां पूंजीवाद और समाजवाद एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हैं और दोनों एक दूसरे के हित में कार्य करते हैं एक बात तय है कि मुद्रा या फिर पूंजी का प्रवाह उत्पादन और वितरण के संतुलन को कायम रखता है और यह किसी भी देश की आर्थिक उन्नति की सबसे सशक्त बुनियाद होती है दुनिया के जाने माने कारोबारी बिल गेट्स संसार की पूंजीपतियों से आग्रह करते हैं कि पूंजीपति गरीब लोगों के हाथ से उनकी क्रय शक्ति को ना छीने अगर क्रय शक्ति को छीनने का प्रयास किया गया तो इसका बुरा परिणाम संसार के अमीरों को भुगतना होगा इसलिए संसार के हर उद्योगपतियों और हर व्यापारी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह धन कमाने की चाह में गरीब लोगों की अपेक्षा ना करे पूंजीपतियों को ऐसे सामान बनाने चाहिए जो आसानी से गरीब लोगों की पहुंच के अंदर हो जिसे वे खरीद सके आधुनिक अर्थशास्त्र के पांच अहम चरण पहले उत्पादन उपभोग विनिमय तथा वितरण अर्थशास्त्र के ये चार प्रधान अंग या आर्थिक क्रियाएं माने जाते थे आधुनिक अर्थशास्त्र में इन क्रियाओं को पांच भागों में बांटा जा सकता है उत्पादन यानी प्रोडक्शन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है उपभोग यानी कंजम्पशन व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपभोग किया जाना है विनिमय को अंग्रेजी में एक्सचेंज कहते हैं जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन की खरीद बिक्री की जाती है और यह खरीद बिक्री ज़्यादातर मुद्रा द्वारा किया जाता है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन का तात्पर्य उत्पादन के साधनों के वितरण से है उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सामूहिक सहयोग से जो उत्पादन होता है उसका विभिन्न साधनों में बांटना राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस के तहत लोक व्यय लोक आय लोक तृण वित्तीय प्रशासन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है समाजवाद बनाम पूंजीवाद समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के संसाधनों पर जन जन का साझा हो सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार काम करें अर्जित संपत्ति का मिल बांट कर अपने और सर्वहित में उपयोग करें उसका प्रबंधन समाज द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाता हो दूसरे शब्दों में समाजवाद वह कल्याणकारी व्यवस्था है जिसमें नागरिकों के बीच निजता का लोप होकर कल्याण का सम विभाजन होने लगता है समाजवाद कहता है कि लोग अपने अपने दायित्वों को समझें उनका पालन करें उनके बीच जाति लिंग वर्ण, भाषा क्षेत्र जन्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का द्वैत अथवा विभाजन ना हो ऊपर से नीचे तक सभी कुछ एक समान हो समाज की संपदा में उसके सभी वर्गों इकाइयों का साझा हो पूंजीवाद एक से बढ़कर एक विकल्प लाया है भले ही उसकी पहुंच कुछ देशों समाजों समूहों तक सीमित हो पूंजीवाद और समाजवाद की बीच भी परस्पर आदान प्रदान हुआ है समाजवादी हलचलों से प्रेरणा लेते हुए पूंजीवाद ने खुद को पहले के मुकाबले उदार बनाया है उसने श्रमिक बीमा स्वास्थ्य बीमा आवास जैसी सुविधाएं भी जोड़ी हैं हालांकि उसकी पहुंच सीमित क्षेत्रों तक है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अभाव और शोषण की स्थितियों में जीना और गुजरना पड़ता है दूसरी ओर पूंजीवाद से प्रेरणा लेते हुए समाजवाद ने भी अपनी उग्रता को कुछ कम किया है मानव की स्वतंत्रता के पक्ष में समाजवाद और लोकतंत्र की नजदीकियां पहले की तुलना में अब बढ़ी हैं जिसका सुफल समिष्टिवाद गणतांत्रिक समाजवाद जैसे नए आर्थिक दर्शन हैं जो राज्य के समानांतर अथवा उसके बिना भी स्वतंत्रता और समानता के लक्ष्य को पाने के लिए संकल्पबद्ध है उत्पादन के पूंजीवादी तरीकों यहाँ तक कि सघन उत्पादन तकनीक से उसको परहेज नहीं है गणतांत्रिक समाजवाद का समर्थन तो घोर पूंजीवादी देशों में भी किया जाने लगा है कई बार तो पूंजीवाद अपनी असल मंशा छिपाने के लिए भी गणतांत्रिक समाजवाद का नारा लगाने लगता है समाजवाद सैद्धांतिक वाद विवाद में पड़ने के बजाय अब सीधे कार्रवाई में विश्वास करने लगा है सार्वजनिक स्वामित्व समाजवाद की एक मौलिक आर्थिक विशेषताओं में से एक है यह समाजवादी आर्थिक प्रणाली का आधार है आर्थिक और सामाजिक विकास के कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए देश के व्यापक जनता और महत्वपूर्ण गारंटी के आम समृद्धि के बुनियादी हितों को प्राप्त है उत्पादन और वितरण का पूंजीवादी तंत्र पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था है जो व्यक्तिगत अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है राजनीतिक परिपेक्ष में यह व्यवस्था आर्थिक स्वतंत्रता की बात करती है कानूनी रूप से यह निजी नियमों की जगह वस्तुनिष्ठ नियमों की बात करती है आर्थिक रूप से जब ऐसी स्वतंत्रता उत्पादन पर लागू होती है तो स्वतंत्र एवं खुले बाजार का जन्म होता है आम तौर पर पूंजीवाद को एक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जिसमें उत्पादन के साधन निजी हाथों में होते हैं एवं वितरण का कार्य बाजार के माध्यम से होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक आधुनिक व्यवस्था है इस व्यवस्था को अलग बनाने वाले गुणों में सर्वप्रमुख गुण सामाजिक जीवन के केंद्र में बाजार का होना है और समाज के सभी लोगों की बाजार पर निर्भरता है पहले के व्यापारी व्यवस्थाओं से अलग पूंजीवाद मानव गतिविधि के हर क्षेत्र को अपने अंदर समेट लेता है एवं उत्पादन वितरण एवं उपभोग की दिशा तय करता है किसी पूंजीवादी व्यवस्था में रहने वाला कोई भी मनुष्य इससे अछूता नहीं रहता मार्क्सवादियों के अनुसार अधिशेष मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू का सृजन ही आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था को पहले की व्यवस्थाओं से अलग करता है अर्थशास्त्र के जानकारों के मुताबिक पूंजीवाद मनुष्यों के बीच उद्यम की एक विशेष भावना है यह तर्क संगत मानवीय प्रवृत्ति की उपज है यह तर्क संगत एवं व्यवस्थित ढंग से लाभ कमाने की प्रवृत्ति ही पूंजीवाद की आत्मा है पूंजीवाद का प्रभाव एवं इसकी प्रतिक्रिया पूंजीवाद ने दुनिया को नवीनतम शोध दिए जीवन को सुविधा से युक्त बनाया संचार यातायात कृषि चिकित्सा आवास आदि अनेक क्षेत्र हैं जहां पूंजीवाद ने कामयाबी का परचम लहराया लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि इन्हीं क्षेत्रों में ऐसी कई चूक भी हुई हैं जिन्हें विज्ञान का अभिशाप कहा जा सकता है पूंजीवादी सोच की वजह से नई चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आशा के मुताबिक सुधार हुआ बड़ी महामारियाँ अब अमूमन नहीं आती लेकिन पूंजीवाद ने जो कुछ किया वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया है अगर जीवन के कई क्षेत्रों में उसने विकास किया है तो उसने तनाव कुंठा हृदय रोग रक्तचाप जैसी बीमारियाँ भी दी हैं पूंजीवादी तंत्र द्वारा विकसित किए गए रिएक्टरों ने विद्युत उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है तो ऐसे परिस्थितीय संकट भी पैदा किए हैं जिनसे कभी कभार सभ्यता पर संकट मंडराने लगता है पूंजीवाद का स्वभाव है कि वह हर काम में अपना मुनाफा देखता है जिसमें उसका लाभ ना हो उसे वह अनुत्पादक मानता है यहाँ लाभ का आशय मौद्रिक लाभ से है जो प्रायः पूंजीपति वर्ग का उत्प्रेरक होता है पूंजीवाद ऐसे उत्पाद जिससे केवल जनता को लाभ हो और पूंजीपति को अपेक्षित धनलाभ ना पहुंचाता हो उन्हें अनुत्पादक मानकर उनकी ओर से वह मुँह फेरे रहता है वह उसी की बुनियाद रखता है जो लाभ के रूप में परिणत होता है पूंजीवादी का स्वार्थ नवीनतम उपभोक्ता वस्तुओं एवं उनके नए नए मॉडल विकसित कर बाज़ार पर एक अधिकार कायम करने तक सीमित नहीं होता बल्कि वह उत्पादन पद्धति का भी निरंतर स्वचालीकरण करता जाता है जिससे उत्पादन में श्रमिकों का योगदान घटता है और इससे बेरोजगारी बढ़ती है साथ ही मनुष्य की उपयोगिता पूंजीपति के नए नए बाजारों की खोज तक सिमट कर रह जाती है यह कहा जा सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य को जो मिला है उसकी बहुत बड़ी कीमत उसको अदा करनी पड़ी है इसमें मनुष्य को सबसे बड़ा आघात यह जानकर लगता है कि पूंजीपति के निगाह में उसका मूल्य सिर्फ एक उपभोक्ता जितना ही है जो उसके मुनाफे के लिए उसके कारखानों में अपना श्रम बेचता है प्राप्त मजदूरी से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता है और उनके उपभोग द्वारा इतनी ऊर्जा अर्जित कर लेता है ताकि अगले दिन कारखाने में जाकर पूंजीपति के लिए काम कर सके पूंजीवाद की निगाह में मानव सिर्फ एक उपभोक्ता है वह उसको उपभोग के लिए और उपभोग के नज़रिए से देखता है इसी वजह से समाजवादी विचारधारा के पूंजीवाद और समाजवाद के सभी आधुनिकतम रूप इस तथ्य से तो एकमत हैं कि मानव के स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए दरअसल आदमी की आज़ादी ही एक ऐसा बिंदु है जिस पर ये दोनों एकमत हैं इसलिए भविष्य का सामाजिक दर्शन ऐसा नहीं हो सकता जो मानव के स्वतंत्र होने या रहने का विरोध करता हो लेकिन यह भी ध्यान रखना अनिवार्य है कि मनुष्य मात्र का हित समाज के हित से अलग नहीं हो सकता इसी को केंद्र में रखकर समाजवाद कहता है कि समाज में सब एक के लिए काम करें और एक सबके कल्याण के, के प्रति समर्पित हो लेकिन यह तभी संभव है जब प्रत्येक मनुष्य मुक्त हो उसको यह एहसास हो कि वह समाज कल्याण के निमित्त और समर्पित है उपसंहार पूंजीवाद बनाम समाजवाद की लड़ाई सदियों पुरानी है कोई पूंजीवाद को बेहतर बताता है कोई समाजवाद की वकालत करता है ज़्यादातर धार्मिक मान्यताएं पूंजीवाद की आलोचना करती हैं क्योंकि पूंजीवादी अति भौतिकवादी हैं पूंजीवाद की आलोचना एवं पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष न सिर्फ वैचारिक स्तर पर है बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में बहुत सारे लोग पूंजीवाद के विरोध में छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं पूंजीवाद का विरोध कुछ अर्थों में कहीं पर सही हो सकता है लेकिन यह भी सच है कि समाज देश और दुनिया में विकास की आधारशिला पूंजीवाद ने ही रखी है इन दोनों के बीच परस्पर तालमेल से हम किसी का भी विरोध नहीं करते हुए देश और समाज को विकास के मार्ग पर निरंतर अग्रसर कर सकते हैं मानव जीवन को सुखी और दुनिया के विकास के लिए इन दोनों का परस्पर तालमेल ज़रूर है जो सुखी मानवीय जीवन और विकसित समाज की आधारशिला रखेगा समाजवाद और पूंजीवाद का अन्योनाश्रित संबंध है और यह तय है कि दोनों एक दूसरे के हितों का ध्यान रखेंगे तो समाज और देश की तरक्की होनी तय है आज के इस व्याख्यान में हमने जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करी वह इस प्रकार है अर्थशास्त्र क्या है और उसका दर्शन अर्थशास्त्र का मानव जीवन में महत्व अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र उत्पादन और वितरण की पूंजीवादी समाजवादी व्यवस्था में तुलना आधुनिक अर्थशास्त्र के पांच अहम चरण पूंजीवाद का प्रभाव एवं इसकी प्रतिक्रिया समाजवाद बनाम पूंजीवाद उत्पादन और वितरण की पूंजीवादी तंत्र की रूपरेखा पूंजीवाद का इतिहास अब इस विषय पर आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं इस विषय से जुड़े आपके प्रश्न और सुझावों का सदैव स्वागत है नमस्कार